वैसे रेंडमली होने वाला है। तो अभी मैं एक मूवी देख रहा था, तो बीच में मेरे एक दोस्त का फोन आया कि भाई कहीं घूम के आते हैं। तो मैंने उसे बोला कि भाई मेरे को ना थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। तो उसने मेरे को आइडिया दिया कि वेगस मॉल चलते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि भाई वेगस मॉल पे क्यों ना ब्लॉग बना दिया जाए और आप लोगों को एक्सप्लोर भी करा दिया जाए। कहते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है, मैं तो काफ़ी बार गया हूँ, लेकिन जो नहीं गया वो इस ब्लॉग के थ्रू एक्सप्लोर कर लो, और जब टाइम मिले तो यार विजिट ज़रूर करना। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में। देख सकते हो आप, ये भाई अपना दोस्त है वैभव। हेलो गाइस, तो मैं दिखाता हूँ आपको। वेगस में आ चुके हैं हम अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेगस पूरा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स है यार, देखते हैं हमें क्या क्या पसंद आता है, अगर कुछ पसंद आ गया तो शॉपिंग भी कर लेंगे। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ, चल अंदर चलते हैं। अब कैसा लगता है तेरे को वेगस, कैसा होगा? बढ़िया ही होगा। मैंने तो सुन रखा है ये दिल्ली का पूरा बड़ा मॉल है। सही बात है, देखने में भी लग ही रहा है। चल चलते हैं अंदर। दिल्ली का सबसे बड़ा सिनेमा PVR, ये वेगस में मिलेगा आपको, सेक्टर 14। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा वेगस का, अगर जिसे आना होगा भाई विजिट जरूर करना।
ये देखो पीवीआर पीछे। गाइस ये गेमिंग सेक्शन है, ये गार्ड अंकल जी खड़े हैं यहाँ पे मुस्कंडे की तरह। ये हमें बिल्कुल कह रहे हैं कैमरा बंद कर दो, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि आप लोग हमारी ऑडियंस है और हमें आपको दिखाना जरूरी है। ये मतलब काफी बार आ रखा है तो ना इसको ज्यादा नॉलेज है, तो भाई कुछ बताना चाहोगे आप? तो भाई ये जहाँ पे इस वक्त अभी हम लोग हैं, ये वेगस का एकदम टॉप फ्लोर है। इस पे यहाँ पे जनरली गेस्ट जो है वो ऐसे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आते हैं, या फिर यहाँ पे फोटो पीछे फोटो भी खिंचाते हैं लोग, तो फोटो खिंचाने भी आते हैं। जस्ट आओ चले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कौन से कहाँ पे फोटो बूथ, तो आप चलते रहिए मेरे साथ, चलेंगे सीधे सीधे। चलो वहाँ पे हम देखेंगे फोटो बूथ कहाँ है, फोटो एक दो फोटो हम खुद की भी खींच लेंगे यार, लोगों के साथ हम भी खींच लेंगे। सही कह रहे हो। तो फोटो बूथ जा रहे हैं। तो गाइस ये हमारा फोटो है, फोटो एरिया आओ हमारे साथ आने। जैसा आप देख सकते हैं जेम्स ऑलिवर ने इसे बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है। यहाँ पे ये बहुत पीसफुल एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर गेस्ट सामने आते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं क्लोथिंग सेक्शन में, मेरे को कुछ दो तीन टी शर्ट लेनी है, इसको भी लेनी है, तो देखते हैं अगर हमें पसंद आ गई तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कभी और आएंगे। तेरे को भी लेनी है? भाई मुझे जीन्स लेनी है। चल देखते हैं अंदर मिलती है कि नहीं। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बनता है मालूम है ना? मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. मालूम है तो सुन। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा। भाई हमें पेंटालून में यार पसंद नहीं आया, मतलब पुराने स्टॉक पड़े थे, तो हम नया ब्रांड चूज करेंगे, देखते हैं इसमें अगर पसंद आया तो। आगे कैसी लग रही है, ले लूँ क्या? यही ले ले भाई, बढ़िया तो लग रही है मुझे, लेकिन ये साइज ज़्यादा लंबा लग रहा है भाई। साइज चल दूसरी देखते हैं, दूसरी देखते हैं। ठीक है मैम। सही है, ले ले है ना? हाँ सही है। तो भाई शॉपिंग तो हमारी हो गई, अब मेरे को लग रही है बहुत भूख। भाई तेरे को भी लग रही है क्या? यार भूख तो लग रही है, बड़ी देर से घूम रहे हैं, तो क्या विचार है सर, खाने चलना पड़ेगा? अब चलते हैं फूड कोर्ट में। हाँ फूड कोर्ट चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ कुछ और दिखाएंगे आपको। फूड कोर्ट पता है, यहाँ पे फूड कोर्ट में चले हम घूमने आए, चलते हैं दिखा देते हैं ऑडियंस को भी। तो भाई जी है फूड कोर्ट, दिखा बगल से दिखा ये सब। तो हम भी कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पे, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। गाइस इतनी देर हो गई, इस बंदे को एक मेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा, ये क्या डिसाइड कर रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कुछ बताओ कि बर्गर किंग में अच्छा क्या मिलता है, तो हम इस हिसाब से अगली बार से ध्यान देंगे। भाई साहब बहुत असर है, जरा इनकी स्माइल पे थोड़ा ध्यान तो दे दे। चिकन वॉपर सिंपल, चिकन वॉपर तो ये भाई भी बहुत असर। तो अभी ये भाई साहब जी बैठ गए, ये हमारा माल पानी ले जा रहे हैं। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सड़की तरीका है ये प्यार दिखाने का, जेब में ना कोड़ी फिर भी तेरे पे दीवाना। तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाई फाई पे बैठा हूँ, नाम तो बता, मैं डालूंगा डीएम।
भाई जा रहे हैं हम पार्किंग में, हमारी पार्किंग में बुलेट पड़ी है, तो देखते हैं चलिए। अबे मिलेगी नहीं मिलेगी यार, पार्किंग बहुत बड़ी है। अबे मिल जाएगी मिल जाएगी। कहाँ लगाई थी याद है ना तुमको? हाँ हाँ याद है। बोले कल्लू बन जाओ। तो भाई बाइक कहाँ खड़ी की है तूने? मलयालम होगी तो मल्लू, चलो जल्दी निकालो भाई बाहर। तू बनाएगी तो उल्लू बन जाओ, और जल्दी निकाल दो भाई। आइटम बटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले कल्लू बन जाऊंगा। चला भाई फिर घर। तो भाई ये ब्लॉग यहाँ नहीं खत्म करते हैं, तो अगर पसंद आया तो यार लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जा।